आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। IDFC फर्स्ट बैंक, और फिर से मैं एक रिव्यू करने जा रहा हूँ क्योंकि Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और उसके बाद पहला वीडियो होगा। उसके पहले मैंने दो वीडियो बनाए थे, जब इसका भाव था 52 पे और जब एक भाव था 50 पे, और अभी फ़िलहाल 41 पे ट्रेड कर रहा है। तो बनाने के रीज़न भी कई मुझे सब्सक्राइबर जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके कमेंट्स आए कि सर फिर से बनाइए फिर से बनाइए, तो मुझे लगा चलिए फिर से बनाना चाहिए। इस पर अभी क्या स्थिति है और क्या मैनेजमेंट का कहना है, तो क्योंकि हर रिजल्ट्स के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और उस हिसाब से हमें नज़र बनाए रखनी चाहिए, उभरते हुए बैंक हो या कोई कंपनी हो या स्टॉक हो। तो यहाँ पे ये बैंक भी वही करती है सारे काम जो अन्य बैंकें करती हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि बिज़नेस मॉडल में कोई होलसेल बैंकिंग में ज़्यादा होती है, कोई रिटेल बैंकिंग में ज़्यादा होती है। बाकी मोस्टली सभी पर्सनल लोन, सारे लोन्स, होम लोन, FD करना वगैरह। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग है, बिजनेस बैंकिंग है, होलसेल बैंकिंग है, वेल्थ मैनेजमेंट, और प्रेजेंस अबाउट मर्जर ऑफर्स एंड कैपिटल फर्स्ट जो एक फाइनेंस कंपनी थी NBFC की, उसी के साथ ये रिसेंटली मर्ज हुई है। उसके बाद से लाइमलाइट में आई थी, लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ इसकी तरफ और लोगों ने समझा कि चलो ये कंप्लीट बैंक है और हो सकता है कि भविष्य में ग्रोथ करे। इस वजह से लोगों का रुझान अब इस तरफ है और हॉट स्टॉक है ये, काफ़ी लोग बातचीत कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड जो 17 मई 2019 कल यानी मार्केट खुली थी, आज बंद हो चुकी है, शनिवार है, आज बंद है। 41.80 मतलब 41.80 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा है BSE पे, लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी। और लो बनाया था इसने 32.70 रुपये का, हाई था 56 यानी 56.85 रुपये का। और ये जिन्होंने 6 महीने पहले इसमें पैसे लगाए थे उनको 14% यानी 14.5% का रिटर्न अभी मिल रहा है, और जिन्होंने 1 साल पहले इसमें पैसे डाले थे उनको 0.85% यानी मतलब 1% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। मार्केट कैप है 19,965 करोड़ का। वॉल्यूम ट्रेडेड जो हुई है कल 1,27,28,534 का, तो ज़बरदस्त ट्रेडिंग हो रही है इस पर। और फेस वैल्यू अभी भी 10 की है। पी रेशियो देखिए 28.91 है और EPS है, अर्निंग पर शेयर है 1.45 यानी 1.45 रुपये। प्राइस टू बुक है 1.10, डिलीवरेबल है 29.55%, और डिविडेंड यील्ड 0 अभी बता रहे हैं, हम देख लेंगे डिविडेंड पे करता है या नहीं करता है। सॉरी, अभी ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है एज़ पर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेबसाइट कि इस दिशा में 37 से 66 रुपये के बीच में अगर आप बाई करते हैं तो ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, और हो सकता है और नीचे गिरावट अगर इसमें आती है तो वेरी अट्रैक्टिव पे आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ना भी आवे, ये कह नहीं सकते, मार्केट है। और फिलहाल तो अभी नीचे की साइड ही इसका रुख बता रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ बातें मैं कर देना चाहता हूँ कि जो इसके MD CEO हैं वी वैद्यनाथन साहब, उनका एक रिसेंट एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कुछ बातें बताई जो मैं आपसे साझा करूँगा, लेकिन पहले फाइनेंशियल हम देखेंगे कि कैसा रहा। देखिए, जहाँ क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम 18 दिसंबर से मार्च 19 में जाएंगे तो जहाँ इंटरेस्ट अर्निंग में थे यहाँ भी गिरावट साइड है, 0.96% के आसपास, मतलब 1% के आसपास। और वहीं पे सॉरी जो नेट NPA था वो थोड़ा सा बढ़ा है, यहाँ पे 0.95% था, यहाँ पे 1.27% 1% से ऊपर चला गया। और ग्रॉस NPA जो था यहाँ पे भी, ये भी इंक्रीज़ हुआ है 0.46%, करीब 0.5% के आसपास। लेकिन नेट प्रॉफिट में देखिए, जहाँ पे 18 दिसंबर में 1538 करोड़ का लॉस था, वहीं लॉस तो इस बार भी है 218 करोड़ का। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा लॉस में कमी आई है, लेकिन अभी भी प्रॉफिट नेट नहीं है, प्लस में नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। वहीं हम ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं, ईयर ऑन ईयर में देखते हैं तो इंटरेस्ट अर्निंग में चलिए ठीक है कि जहां मार्च 18 में 2,281 करोड़ की अर्निंग थी इंटरेस्ट अर्न, वहीं मार्च 19 में हो गई 3,628 करोड़ की। और वहीं पे एनुअल अगर हम ईयर ऑन ईयर NPA देखते हैं तो NPA में थोड़ी सी कमी आई है 0.42% के आसपास, और ग्रॉस NPA में भी यहाँ पे कमी आई है 0.88% की, थोड़ी सी कमी आई है। और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ 619% का लॉस है ईयर ऑन ईयर पे।
तो जब इसमें इसके रिजल्ट्स आए Q4 के, तो ऑब्वियसली तब ये 52 या 51 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद से जो इसके निवेशक थे उनको थोड़ा सेंटिमेंट हुए और उन्होंने जो है बिकवाली की, तो इस वजह से काफ़ी अभी 41 पे भी ट्रेड कर रहा है वर्तमान समय में। लेकिन मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि वैद्यनाथन साहब ने क्या बोला, उन्होंने मेनली दो लाइन में अगर मैं कहूँ तो उनका कथन यही था कि एक तो जो उनकी ये देखिए यहाँ पे जो होलसेल बैंकिंग है, जिस पर किसकी वजह से जो कॉरपोरेट को लोन वगैरह दिया गया था पहले, उस वजह से जो इनका NPA बढ़ा है, तो अभी ये लॉस दिखा के जो भी प्रोविजनिंग की है उन्होंने, उसके तहत उनका भी सारा फोकस रिटेल लोन बुक पे है। जिससे कि क्या होता है, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लीजिए किसी को खुदरा ग्राहकों को अगर हम लोन देते हैं, जैसे अन्य कंपनियां करती हैं, जैसे कुछ बैंकें हैं जो रिटेल उनका काफ़ी ज़्यादा 85% के आसपास है, उनको रिटेल से आया है, जैसे कि HDFC बैंक हो गई, बंधन बैंक हो गई, या फिर अगर देखें आप तो NBFCs में भी बजाज फाइनेंस वगैरह जो बहुत ही अच्छा कर रही हैं, तो रिटेल जो सेक्टर ज़्यादा उनको बैंकिंग से आय होती है, तो उसमें डूबने का चांसेस इसलिए कम रहता है क्योंकि क्या होता है कि इंडिविजुअली किसी को लोन दिया गया है तो इतना ज़्यादा नुकसान, मान लीजिए 1,000 लोगों को दिया गया तो 10-20 लोगों ने पे नहीं किया, 50 लोगों ने पे नहीं किया, वो एक बात समझ में आता है। लेकिन अगर किसी बड़ी कंपनी को, बड़ी इंडस्ट्री को अगर 1,000 करोड़ का लोन दे दिया गया, या फिर किसी एयरलाइन को या किसी बड़ी इंडस्ट्री को, तो अगर वो कंपनी डूबती है तो 1,000 करोड़ सीधे डूब जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स चाहे किंगफिशर हो, चाहे जेट एयरवेज हो, चाहे और भी कई इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियाँ रही हों, तो इस वजह से अभी ये थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। इनका यही कहना था कि इनका जो कासा बुक है, मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, उस पर फोकस करेंगे, और जो मार्केट कैप है 19,988 करोड़ का अभी जो वर्तमान समय में दिखा रहा है मिड कैप कंपनी, इसको वो करना चाहते हैं करीब 5 सालों में। जो उनका टारगेट है 1,00,000 करोड़ के आसपास, इस टारगेट के साथ, इस लक्ष्य के साथ वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और इसका एक परिणाम भी है कि चलो बैंक अभी ग्रोथ कर रही है तो कुछ जगहों पे इसकी ब्रांचेस भी और इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई हैं, कुछ ATMs भी इंक्रीज़ होने शुरू हो गए, जहाँ पहले कुछ पता नहीं लगता था कि कहाँ बैंक एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। कैपिटल फंड जब इसमें मर्ज हुआ तो उसके बाद से थोड़ा सा ये अभी आगे की दिशा में काम कर रही है। तो मेनली उनका यही कहना था कि अभी सारा फोकस, क्योंकि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस था, ICICI बैंक में थे, वो ICICI बैंक को इतनी ऊंचाई पर लाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है एज़ पर उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हमने उनके बारे में जाना या पढ़ा। तो यही सब कहना था, और भविष्य में अगर ऐसा ही कुछ रहा तो ऑब्वियसली ये बैंक अच्छा कर सकता, लेकिन फिलहाल वर्तमान स्थिति में तो देखते हुए नहीं कह सकते कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है या नहीं है, ये इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। और अगर उन्होंने जैसा कहा है कि 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट के बाद उसमें परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव, तो लॉस अगर कम हुआ, नेट प्रॉफिट में आने लगी, तो ठीक, कंपनी के लिए फ़ायदा और निवेशकों के लिए भी फ़ायदा है। यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स के पास जो है 40% के आसपास 40 होल्डिंग है, एक ज़बरदस्त होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड्स के पास है 2.75%, 9 म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने पैसा लगा रखी, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं 172 यानी 13.5% के आसपास। तो देखिए फॉरेनर्स क्या होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं, जो वहाँ की दिग्गज ब्रोकरिंग कंपनी है या जो भी पैसा डालते हैं, अगर वो समझ लीजिए किसी कंपनी में या किसी बैंक में निवेश बढ़ा रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न है। और ये भी 0.07% इस समय ऐसे सिचुएशन में उन्होंने जो है इस बैंक में अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की हुई है, दिसंबर 18 के मुकाबले मार्च 19 में, और इंडिविजुअल्स है 20.69% के आसपास। और डिविडेंड पेइंग स्टॉक इन्होंने 70 पैसे पिछले साल दिया था, इस बार भी उम्मीद है कि देंगे। एक एवरेज क्वालिटी कंपनी अभी दिखा रहे, वैल्यूएशन हम दिखा चुके हैं, और रिटर्न्स में हमने भी बता दिया कि जिन्होंने 6 महीने पहले लगाए थे उनको 15% के आसपास का रिटर्न है, और बाकी तो अभी फिलहाल मर्ज हुई है कैपिटल फर्स्ट में, तो इसका अब देखना है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के बाद इसका कैसा परिणाम रहता है। जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग इसमें बाइंग करना चाहते हैं, तो अभी जैसे कि सारे स्टॉक्स गिरे हुए थे रिसेंटली, मार्केट में ही दबाव पड़ा हुआ था, और जैसे कई देशों में जो वॉर ट्रेड हो रहा, जैसे कि चाइना, अमेरिका, ईरान, इन सब के मद्देनज़र जो वैश्विक ग्लोबल देखते हुए मार्केट का इंडिया में भी थोड़ा सा खतरा है, तो अगर हम कैश बचा के रखते हैं कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार करें तो अच्छा है, या फिर जो हमारे देश के इलेक्शंस हुए उनके रिजल्ट भी आने वाले हैं, अगर हम 22-23 तक रुक जाते हैं तो भी अच्छी बात है।
तो समझदारी से आप निवेश करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा करें कि इसमें क्या करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन है, ऐसे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे खड़ा बैंक, क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये HDFC बैंक बन सकता है जैसे कि मैंने सुना लोगों कहते हुए ज़ुबानी। तो अभी इसमें उतना पोटेंशियल तो नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब ये बैंक प्रॉफिट में आएगी और जब इसकी कमाई अच्छी होगी, जब इसका सब कुछ अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। तो मेनली उसी पर डिपेंड है, प्रॉफिट में आनी चाहिए, इसका बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए, इसका NPA कम होना चाहिए और लॉस जो है वो भी कम होना चाहिए, ख़त्म ही हो जाना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी समझ गए हैं, बाकी मैंने इसके Q4 के रिजल्ट्स भी दिखाई दिए हैं। थैंक यू, जुड़े रहिए आप हमारे साथ।